फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कार्बन ऑरा इस मोबाइल को पावर की और वॉल्यूम की के थ्रू कैसे हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको एक सेटिंग के बारे में बताना है। ये जो सेटिंग बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी जीमेल आईडी याद नहीं रहती, तो वो लोग इस सेटिंग को पहले से अपने फ़ोन में ऑफ कर लें। सेटिंग में जाकर फैक्ट्री डाटा रीसेट, यहाँ पे जाकर बैकअप माई डाटा, ये ऑप्शन ऑफ होनी चाहिए। ये ऑप्शन जो है ये आपका डाटा बैकअप करने के लिए होती है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, आप अपना कोई भी डाटा हो बैकअप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये बंद कर लें। अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगी तो क्या होगा कि जब हम फ़ोन को हार्ड रीसेट करेंगे, फ़ोन हार्ड रीसेट होने के बाद जब ऑन होता है तो आपने देखा होगा कि जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें शुरू में ऑप्शन आती है कि टाइम सेट, सिम की सेटिंग और जी वाईफाई की ऑप्शन, डेट सेट करेगी वो आती है। तो वहीं पर अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगी तो हार्ड रीसेट करते टाइम तो वो आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा। अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट, जो गूगल अकाउंट है, वो याद नहीं रहेगा तो फिर आपका फ़ोन आप ऑन नहीं कर पाओगे और फिर आपको फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को जो है ऑफ ही रहने दें। तो उसके बाद अब आपको बताऊँगा कि कैसे आप रीसेट करें। तो रीसेट करने के लिए पावर की और वॉल्यूम अप की, इस मॉडल में इस तरह से रीसेट होएगा। तो आपको पहले पावर और फिर थोड़ी एक सेकंड के बाद इस वॉल्यूम अप की को दबाना, फिर दोनों को दबा कर इस तरह से ऐसे। इस तरह से दबाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगी। तो हमें जो है फैक्ट्री रीसेट करना है फोन को। यहाँ पे आकर जो वॉल्यूम अप की है इसको दबाकर इसे ओके कर देना। जो ये फ़ोन है इसमें भी जो हार्ड रीसेट जो वर्क करता है वो करता है अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर की दिक्कत दे रहा हो या फिर मोबाइल आपका ज़्यादा हैंग हो रहा हो। तो इस तरह से अपना फ़ोन आप जो है वो हार्ड रीसेट करके सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो डाटा है वो सारा इरेज कर रहा है। तो जिस ऑप्शन के बारे में बता रहा था वो इस तरह से आती है ऑन हार्ड रीसेट होने के बाद। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, फिर ये सिम के ऑप्शन आई, यहाँ से आप स्किप। तो यहाँ पे आके जो है अगर आप उस ऑप्शन को, बैकअप माई डाटा को ऑफ नहीं करेंगे तो यहाँ पे आके जब आप ये स्किप ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगी ये, उसके बाद यहाँ पे जो है ये फ़ोन आपका वेरिफिकेशन के लिए जीमेल अकाउंट मांगेगा तो आपको डालना ही होगा। अगर भूल गए तो फिर आपका फ़ोन यहीं पर अटका रहेगा और आपको सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा। अभी ये ऑप्शन आ रही है तो यहाँ से स्किप और ये स्किप एनीवे, उसके बाद नेक्स्ट 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 और इस तरह से ये फ़ोन जो है ये ऑन हो चुका है और हार्ड रीसेट हो चुका है और बिल्कुल सही हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वैसे मेरी कोशिश होती है कि 100% जानकारी दूँ, और अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप करेंगे तो ये 100% वर्क भी करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को एक्टिवेट जरूर करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।